ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में 324 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 892 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में आने वाले 5 सालों में महतारी सदन बनाए जाएंगे। जबलपुर में 13 नवंबर को अग्निवीर महिला सैन्य पुलिस भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में 324 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 892 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बीते 30 सितम्बर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दे दी थी। श्री गडकरी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भारत सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को मंजूर किए जाने की जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ के बेमेतरा, मुंगेली, राजनांदगांव, जशपुर, बिलासपुर और खैरागढ़ जिलों में 8 सड़क खंडों के विकास के लिए स्वीकृति दी गई है। भारतीय डाक विभाग द्वारा 7 से 11 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल दिनेश कुमार मिस्त्री ने आज रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में बताया कि डाक सप्ताह के दौरान विभाग अपनी नवीनतम सेवाओं को जनता के बीच ले जाने का प्रयास कर रहा है। इस बारे में और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रायपुर संवाददाता अभिषेक कुमार। डाक विभाग द्वारा प्रदेश के सभी संभागों में ग्राहक मिलन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान विभाग अपनी सुविधाओं में सुधार के लिए जरूरी सुझाव प्राप्त करेगा। डाक सप्ताह के तहत अलग अलग दिन अलग अलग थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 7 अक्टूबर को मेल और पार्सल दिवस मनाया गया, 8 अक्टूबर को डाक टिकट संग्रहण दिवस, कल 10 अक्टूबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाएगा। वहीं 11 अक्टूबर को डाक विभाग वित्तीय सशक्तिकरण दिवस मनाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं अभिषेक कुमार। डाक विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के राज्य स्तरीय विजेताओं को आज पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा दुर्ग जिले में डाक विभाग ने मैराथन की तर्ज पर पोस्टाथन का आयोजन किया। इसमें डाक विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ ही जिले के खिलाड़ी और नागरिक भी शामिल हुए। आने वाले 5 वर्षों में प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाए जाएंगे। पहले चरण में प्रत्येक विकासखंड में महतारी सदन बनाने का कार्य शुरू किया जा रहा है। महतारी सदन का निर्माण लगभग 2500 वर्ग फुट में किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महतारी सदन सहायक होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 179 महतारी सदन बनाने की स्वीकृति मिली है। इसके लिए 52,20,00,000 रूपये मंजूर किए गए हैं। महतारी सदन में महिलाओं के लिए कमरा, बारामदा, हॉल, किचन, स्टोर रूम, पेयजल के लिए ट्यूबवेल और सामुदायिक शौचालय जैसी सुविधाएं होंगी। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 13 नवंबर को सुबह 4 बजे से अग्निवीर महिला सैन्य पुलिस भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को जबलपुर के एयरपोर्ट रोड स्थित प्रवेश द्वार पर सुबह 2 बजे तक रिपोर्ट करना होगा। इस रैली में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सीईई में सफल मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की 241 युवतियां भाग लेंगी। सभी अभ्यर्थियों को बीते 3 अक्टूबर को उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर एडमिट कार्ड भेज दिए गए हैं। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड और रैली नोटिफिकेशन के अनुसार सभी दस्तावेज और आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर लाना अनिवार्य होगा। रैली संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जबलपुर स्थित भर्ती कार्यालय के मोबाइल नंबर 7247028996 पर संपर्क किया जा सकता है। नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच बीते 4 अक्टूबर को ही मुठभेड़ में मारे गए 7 और माओवादियों की पहचान कर ली गई है। इस तरह इस मुठभेड़ में मारे गए 31 माओवादियों में से अब तक कुल 29 माओवादियों की शिनाख्त हो गई है। दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र नेंदूर और थुलथुली के जंगलों में 4 अक्टूबर को हुई मुठभेड़ में 31 माओवादी मारे गए थे। इनमें से अब पुलिस ने 29 माओवादियों की पहचान कर ली है, जिन पर कुल 2,15,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। बस्तर रेंज आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि मुठभेड़ में एक डीके 8 ZC,
एक सीवाईपीसी कमांडर, 3 डीवीसीएम, 14 पीएलजीए कंपनी नंबर 6 के सदस्य जबकि 2 एरिया कमेटी के सदस्य हैं। शेष 2 माओवादियों की शिनाख्त अब भी की जा रही है। आकाशवाणी न्यूज के लिए दंतेवाड़ा से नरेश मिश्र। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 अक्टूबर कर दी गई है। विद्यार्थी विशेष विलंब शुल्क 1540 रूपये के साथ फॉर्म भर सकते हैं। सभी मान्यता प्राप्त संस्थाओं को निर्देश दिया गया है कि वे इस समय अवधि के भीतर ऑनलाइन प्रविष्टि और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को पूरा करें। निर्धारित समय के बाद पोर्टल दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। धमतरी जिले के सिंहपुर गांव में आयुष विभाग द्वारा आयुष रसशाला बूटीगढ़ की स्थापना की गई है। यह रसशाला जड़ी बूटी वाले पौधों के संवर्धन, उनके प्रचार प्रसार और उनके उपयोग के लिए बनाई जा रही है। यह प्रदेश में अपनी तरह का पहला नवाचार माना जा रहा है। इस बारे में और ब्यौरा दे रहे हैं धमतरी से हमारे संवाददाता रोशन सिन्हा। धमतरी के सिंहपुर गांव में बूटीगढ़ की स्थापना की गई है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस गांव में जड़ी बूटियां बहुतायत में पाई जाती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आयुष विभाग और जिला प्रशासन नवाचार किया है। यह प्रदेश में अपनी तरह का पहला नवाचार माना जा रहा है। बूटीगढ़ में जल संरक्षण और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का समन्वय भी देखने को मिल रहा है। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पहल की सराहना की है। साथ ही उन्होंने वन संपदा को सहेजने और आम जनों को आयुर्वेद के प्रति जागरूक करने के लिए भी कहा है। धमतरी से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं रोशन सिन्हा। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक और प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने कहा है कि इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में बीते 36 दिनों के भीतर भाजपा के 36 लाख सदस्य बनाए जा चुके हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले दिनों में प्रदेश में पार्टी के 50 लाख से अधिक सदस्य बना लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन सदस्य बनाने के बाद अब प्रदेश में ऑफलाइन फॉर्म भरकर भी लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई जा रही है। सदस्यता अभियान को गति देने प्रदेश के सभी 5 संभागों से भारतीय जनता युवा मोर्चा की 20 रथयात्राएं शुरू हो चुकी हैं। कोंडागांव जिले के माकड़ी थाना में साइबर जागरूकता पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस दौरान नृत्य और नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को साइबर ठगी के प्रति जागरूक किया गया। कोंडागांव जिले में इन दिनों कोंडागांव पुलिस द्वारा साइबर पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। जिले के ग्रामीण एवं ब्लॉक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में माकड़ी ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम में कोंडागांव पुलिस द्वारा ऑनलाइन ठगी के विभिन्न तरीके जैसे कि मोबाइल टावर लगाना, लॉटरी का झांसा देना एवं अन्य प्रलोभनों की जानकारी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रदान की गई। साथ ही लोगों को किसी भी प्रलोभन में न आकर अनजान लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी गई है। अगर दुर्घटनावश आप किसी ठगी का शिकार हो जाते हैं तो टोल फ्री नंबर 1930 पर तत्काल संपर्क करने एवं पुलिस सहायता लेने की सलाह दी गई है। निखिलेश मिश्रा, कोंडागांव जिले से आकाशवाणी के लिए। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रायपुर स्थित निवास कार्यालय में हर गुरुवार को होने वाला जनदर्शन कल 10 अक्टूबर को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने लोगों में खून और पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों वाले चावल की आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शैक्षिक संस्थानों के संकाय सदस्यों के लिए छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। दुर्ग के जिला रोजगार केंद्र में 16 अक्टूबर को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। रायगढ़ बाईपास मार्ग पर गोवर्धनपुर के पास केलो नदी पर बने पुल पर भारी वाहनों का आवागमन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
स्वच्छता पखवाड़े के तहत रायपुर रेल मंडल के विभिन्न स्टेशनों में आज स्वच्छ आहार थीम के तहत कैंटीनों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और साफ सफाई की जांच की गई। रेलवे द्वारा नवरात्र के मौके पर 150 से अधिक स्टेशनों पर व्रत स्पेशल थाली उपलब्ध कराई जा रही है। दुर्ग पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी और धोखाधड़ी के 3 आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार किया है। इन लोगों को लाओस में कम्प्यूटर ऑपरेटर की नौकरी लगाने के नाम पर 2 लाख रूपये की ठगी करने का आरोप है। बिलासपुर में निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में सीईओ ने 3 सचिवों को निलंबित कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत लापरवाही बरतने के आरोप में राज्य नोडल एजेंसी ने रायपुर के एक अस्पताल का पंजीयन निरस्त कर दिया है। वहीं दूसरे अस्पताल पर करीब 31 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है। सरगुजा जिले में आज छूही खदान धंसने से 2 लोगों की मौत हो गई और रायपुर के खमतराई इलाके में तालाब में डूबने से 2 भाइयों की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में 324 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 892 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में आने वाले 5 सालों में महतारी सदन बनाए जाएंगे। जबलपुर में 13 नवंबर को अग्निवीर महिला सैन्य पुलिस भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।